वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है और कबड्डी में किस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी अच्छी दमदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको जब भी आपका लाइन अप आउट हो जाता है सिंपली, उसके बाद आप ही आपको देखने को मिलते हैं, सिंपली उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है, क्रिएट टीम पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है डिफेंडर का, ऑलराउंडर का और रेडर का। सब में ही भी आपको देखने को मिल जाते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। सब्स्टिट्यूट प्लेयर वे होते हैं जो अनाउंसमेंट, जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी खेलने की जो अनाउंसमेंट की गई है, यदि वो किसी कारण से नहीं खेलते तो उनकी जगह पर इनको बदला जाता है, तो इन्हें ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहा जाता है। उसके बाद नीचे है अनाउंस प्लेयर, मतलब इनकी खेलने की संभावनाएँ नहीं होती हैं, जो ऑरेंज के नीचे हैं ये खेलने की संभावना इनकी नहीं होती, इसलिए हमें दो ही खिलाड़ी यूज करने होते हैं, एक अनाउंसमेंट प्लेयर और एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर। और मान लीजिए आपने अनाउंसमेंट प्लेयर सारे ले लिए तो आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी आपको ले लेने चाहिए जो खेल सकते हैं। इसलिए जब भी आप टीम बनाए तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट में ना बैठा हो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और आपको ये ले लेना है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आप जो है सात खिलाड़ी के अलावा सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी ऐड कर पाएँ। आपको सात खिलाड़ियों के अंदर ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर को भी ऐड करना होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके मान लीजिए इनमें से आप देख सकते सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर आप देख सकते हैं, और ऑलराउंडर में हम देख लेते हैं इसमें 3 हैं और इसमें आप देख सकते हैं इसमें 5 है। तो किस प्रकार से यूज करना है, तो सब्स्टिट्यूट मान लीजिए इसकी खेलने की संभावना ज़्यादा आप देख सकते हैं, या आप किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सिलेक्टेड बाई भी ऑप्शन दिया गया है, पॉइंट वाइज भी और क्रेडिट वाइज भी सब है। एग्जाम्पल तौर पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप अनाउंसमेंट प्लेयर सारे ले लेते हैं और सब्स्टिट्यूट प्लेयर यदि खेलता है तो आपके जो पॉइंट्स हैं कम हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से टीम क्रिएट करनी होती है और वो खिलाड़ी सिलेक्ट करने होते हैं जो सब्स्टिट्यूट में खेल सकते हैं, मतलब जो बेंच पे बैठे हैं और टीम जो है मैच के बीच में यदि वो खेल सकते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है या फिर उसकी जगह पर या फिर उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है तब उसके जगह पर ये चेंज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइडर है, राइडर में भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने उठा लिए, उसके बाद प्रीव्यू देख सकते हैं, आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में आप देखेंगे तो नीले जो डॉट हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो राइडर से, ऑलराउंडर से या डिफेंडर से, सब में से ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर लें, अपनी मर्जी के अनुसार लें। यदि आपको लगता है कि अनाउंसमेंट जो प्लेयर हैं वही अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वही लें, और ऑलराउंडर में भी यदि ऑलराउंडर आपके अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके सब्स्टिट्यूट लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये लगे, या एग्जाम्पल के तौर पर है, यदि आपको ये लगे कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर जो बैठा है वो खेलने की संभावना उसकी ज़्यादा है, तभी उसको ले। आप देख सकते हैं उसमें आप अपना एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप ये कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनको हटा भी सकते हैं और आप इसे ले भी सकते हैं। मान लीजिए आपने ये ले लिया और जब भी आपका जो प्लेयर है सब्स्टिट्यूट जो खेलता है तो आपके अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये सब सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं उन्हें भी कैप्टन, वाइस कैप्टन, सी और वी सी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस आपने जो समझा है, ये था सब्स्टिट्यूट क्या होता है, किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।